हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम मैथ्स ट्रिक का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं एसएससी के लिए, मेनली सीजीएल में या कोई भी एसएससी का एग्जाम उसमें काम आएगा, या सीडीएस में, रेलवे में, बैंकिंग में, उसका ये पार्ट 13 सॉल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, ए बी सी डी इज ए पैरलोग्राम इन विच डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ ए, ओ पर इंट ए बी सी डी, ये पैरलोग्राम दिया है, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। कह रहा है ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट ऑफ ए ओ डी ओ सी ओ एन बी बी ओ, ये मैंने बता रखा ई एफ जी और एच, ये आपका क्या है, मिड पॉइंट दिए हुए ये। अब इसमें कह रहा है कि रिस्पेक्टफुली द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, ये जो आपका दिया ई एफ जी एच, इसका टू पेरीमीटर ऑफ द पैरलोग्राम ए बी सी डी, ये आपका ए बी सी डी के निकालना। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये आप यहाँ से ध्यान से देखो कि ये एक साइड दीजिए, जब मिड पॉइंट को आपको ज्वाइन करते हो तो ये किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम होता है, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, किसी ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, यहाँ डी दिया है, यहाँ ई दिया है, और डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो ये डी जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू क्या होता है, बी सी होता है, और डी जो होता है इक्वल टू क्या होता है, हाफ बी सी होता है। मैंने ये डी जो आपका हाफ बी सी, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू डी। तो ये आपका क्या हुआ कि ये दो मिड पॉइंट है, अब इस ट्रेंगल में आप देखोगे तो ये दो मिड पॉइंट, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, और ये इसकी हाफ होगी। ये मान लो आपने सिक्स लिया है तो ये कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगी। उसी तरह ये लाइन आपकी इसकी भी क्या होगी, पैरेलल, सेम यही चीज़ आ गई। ये मान लो फोर लिया था कितना हो जाएगा, टू हो जाएगी। फिर ये भी पैरेलोग्राम है सिक्स, तो ये थ्री हो जाएगी, ये फोर लिया था कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। अब इस तरह इसको हम क्या करें, इसका पेरीमीटर हम पहले किसका निकालना है, छोटे से बड़े का रेशियो निकालना है। छोटे का मान लो ये साइज थ्री, थ्री कितना हुआ सिक्स, और ये फोर कितना हुआ टेन, तो टेन रेशियो कितना आ जाएगा, और ये करोगे तो आपका ट्वेल्व और प्लस एट कितना हुआ ट्वेंटी, तो कट के क्या वन रेशियो टू आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर इसमें, वन रेशियो टू। जो इसका पेरीमीटर आएगा उसका बाहर वाला पेरीमीटर क्या आएगा, डबल आएगा, या जो बाहर का पेरीमीटर आएगा वो अंदर का क्या होगा, रेशियो इसका, तो ये वन रेशियो टू का ही रेशियो इसमें होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहे ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाई 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। अब देखिए कह रहा है कि 75% होगी इनकम का क्या कर रहा है, स्पेंड करता है, तो मान लो इनकम उसकी मान 100 रुपये है, तो ये स्पेंड कर दिया कितना, 75 स्पेंड हो गया इसका 75, तो सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी, सेविंग हो गई उसकी 25। अब ये क्या कर रहा है कि इनकम जो उसकी है वो 20% क्या हुई, इंक्रीज हो गई, तो इनकम जब इंक्रीज हो गई तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगी, 120 उसकी क्या होगी, इनकम हो जाएगी। अब कह रही एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाई आपका क्या होगा, 10%। एक्सपेंडिचर मैंने जो स्पेंड करता था, ये जो एक्सपेंडिचर था उसका, एक्सपेंडिचर उस 75 खर्च करता था तो 25 बचता था। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 7.5 होगा, इसका 10% हम निकालेंगे तो क्या हुआ, 7.5 इसमें ऐड करेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो 82.5 हो गया। 82.5 अब क्या हो रहा है, वो खर्च कर रहा है, 120 में से 82.5 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचत उसकी कितनी हो जाएगी, 120 में से 82.5 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से माइनस करेंगे 82.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये 0.5 आ जाएगा, ये 37.5 आ जाएगा। अब ये सेविंग इसकी कितनी हो गई, ये होगी 37.5 हो गई सेविंग इसकी। अब ये सेविंग कितनी ज़्यादा हो गई इसकी, इसके 25 से में से हम देखें इसमें से माइनस करेंगे तो 12.5 हो गया, क्योंकि 12.5 का ये 3 टाइम्स होता है, तो इसकी जो जो सेविंग जो हो रही है इंक्रीज हो गई कितनी हो रही है, 12.5 हो रही है। अब इसको हमको किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो सेविंग ये कह रहा है ना कि कह रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज कितना है 12.5, और पहले उसकी सेविंग कितनी होती थी 25, क्योंकि ओरिजिनल पर हमेशा निकालते हैं, इनटू कितना होगा 100, इसको निकालेंगे तो कितना 1/2 आएगा, 1/2 कितना होता है 50% होता है, ऐसे डायरेक्ट 2 से काटेंगे तो भी 50 आएगा, वैसे हम रेशियो निकाल लिए ये ज़्यादा आसान होता है, तो क्या आएगा उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी, ये ऑप्शन है। ये दो पहले से टिक लगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो पहले से टिक लगे वो पेपर के किसी बच्चे का लगा होगा, ठीक, तो ये आप लोगों को नहीं लेना है, जो मैं रेड पेन से लगा रहा हूँ वही आपका सही है। अभी कह रहा है 72, द मिल्क एंड द वाटर इन टू वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 और 2:3।
3 दिया है रिस्पेक्टिवली. इन व्हाट रेशियो द लिक्विड ऑफ द बोथ वेसल्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन द न्यू मिक्सचर इन द वेसल सी. ये आपका ए दिया, बी ए सी में दिया है. कंटेनिंग द हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, मतलब 1:1 बन जाए. इसमें होता है क्या है कि जो रेशियो तुम वाटर या मिल्क को, ये आपका मिक्सर एंड रिलेशन लगाते हैं, या तुम वाटर या मिल्क को, तुम वो क्या करें, मिल्क को हम ले रहे हैं. तो मिल्क इसमें क्या है, ये पहला जो ले जो ये जो पार्ट है, इसमें मिल्क कितना है, ये 4 है, और टोटल ये वाटर कितना है आपका है 3. तो ये मिल्क का पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल में 4/7 हो जाएगा. और उसी तरह ये बी में इसमें क्या है आपका 2 मिल्क है और ये 3 वाटर है, तो 2+3 5 हुआ, तो 2/5 क्या हो गया, पूरा आपका मिल्क हो गया. और ये इसमें जो मिक्सर जो बना रहे हैं सी में, ये क्या 1:1 हो रहा है, 1:1 हो रहा है. तो 1:1 में क्या हुआ कि आधा मिल्क है और आधा वाटर है, तो 1/2 हो गया. ये टोटल हम ऐड करके निकालते हैं. अब इस तरह इसको माइनस करें हम, ये इसी इधर से माइनस करते हैं इसमें से और इससे माइनस करते हैं. फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से माइनस करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है. तो हम क्या करते हैं इसके लिए, 2, 5, 7 का तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं. 2, 5 और 7 का एलसीएम से क्या होगा, 70 हो जाएगा. एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/7 को 70 से करेंगे तो इस कट गया 10, तो कितना आ गया 40 आएगा. 5 से इसको करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो ये 28 आ जाएगा. इसको 2 से काट देंगे तो ये 35 हो जाएगा. अब ये क्या हो, बिल्कुल आसान हो गया, ये 40 बन गया. 40 में से 35 इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये आपका ज़्यादा 35 में से 28 माइनस करेंगे तो 7. तो हमारा रेशियो जो होगा 7:5 हो जाएगा. बहुत ईजिली आ जाएगा जब ये हम फ्रैक्शन को हम इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं. तो आंसर हमारा इसमें ए होगा, 7:5. और इसको ट्रिक से करना हो, जिसको जल्दी क्वेश्चन इसको ट्रिक से करना हो, तो हम क्या करते हैं कि जैसे दिया है 4:3, तो इसका कितना आ रहा है, 7 आएगा इसका सम. इसको करेंगे तो इसका 5 आ जाएगा, और इसका सम कितना आएगा, 2 आएगा. 1:1 बन रहा है सी में आपका, तो ये 2 आएगा. इन तीनों का 5, 7, 2 का पहले हम एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया. अब इसको हम 70 बनाएंगे, 70 लीटर इसको 70 सबको बनाते हैं. 70 ये देखेंगे तो इसमें वाट, इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, मान लो 70 है तो 70 का कितना हुआ, 4/7. आप यहाँ लेंगे 7, तो 4/7 पार्ट लेंगे तो कितना हुआ, इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा. इसमें दिया है 2 और 3, तो ये भी 70 बनाएगा, तो ये क्या हुआ, 2/5 आपका 5 होएगा इंटू 70. 5 से किसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा. इसमें कितना मिल्क हो जाएगा, 28. और ये हाफ और हाफ है सी आपका, सी में हाफ और 1:1 है, 70 हो रहा है टोटल. तो आधा क्या मिल्क है, तो मतलब 35 इसमें क्या है, मिल्क है, और 35 वाटर है. अब मिल्क को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, मिल्क यहाँ आएगा, ये आगे मिल्क ये दिया है, यहाँ पे यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है. तो 40 में से ये माइनस होगा तो 5 आएगा, 35 में से 20 तो ये 7 होगा. ये ओरल हम कर सकते हैं दिमाग में, जिसको कैलकुलेशन फास्ट हो ये कर लेंगे. इतना ये सब समझाने के लिए बताया हूँ, और नहीं तो फ्रैक्शन से जिसको जो बेसिक मेथड होता है इस तरह करके फिर एलसीएम लेकर फिर वही काटेंगे तो वही चीज आएगी. तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये, 2 नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 द सम ऑफ द 6% ऑफ ए एंड 8% बी. द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी निकालना है. देखो इसको ट्रिक से करना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पहले मैं लिख के बता रहा हूँ कैसे करेंगे. अब देखो इसमें क्या करें कि 5% ऑफ ए, मतलब क्या हुआ, 5/100 ए हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे, 4% बी, 4/100 क्या हुआ, बी हो जाएगा. ये जो दिया है किसके इक्वल दिया है, 2/3, 2/3 का 6% ऑफ, 6/100 क्या हुआ, ए, प्लस क्या दिया है, 8% ऑफ बी, 8/100 क्या हो गया, बी दिया है. अब देखो 100 यहाँ से कॉमन लगे तो 100 क्या होगा, दोनों साइड से कट जाएगा. 3 का इंटू यहाँ होगा, 2 का इंटू 3 के इसमें इंटू करोगे कितना हो जाएगा आपका, 15 ए प्लस कितना हो जाएगा आपका, 12 बी इक्वल टू आ जाएगा 12 ए प्लस आपका ये 8 दिया है, तो 8 टू जा कितना हुआ, 16 बी हो जाएगा. इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा आपका, 3 आएगा, और इधर ये चला जाएगा तो इक्वल टू कितना होगा, 4 बी होगा. तो ए रेशियो बी जो आएगा आपका, 4/3 कितना हुआ, 3 हो जाएगा. तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए. अब इसको तो इतना लिख के समझाने में इतना टाइम लगा, हम ट्रिक्स से करेंगे तो कैसे करेंगे. देखो तो हमको पता है कि इन दोनों का सम, ये चीज़ें हमारे हमारे दिमाग में आती है, जो हम ये लिखते हैं ना ये हमारे माइंड में आ जाती है ऑलरेडी. हमको पता है कि परसेंटेज कट जाएगा, तो परसेंटेज तो हमको मतलब ही नहीं है कि सारे परसेंटेज क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे. बचेगा 4 और यहाँ बचेगा ये 4 और ये. हम पहले ए को देखते हैं, ए का जो हमारा डिफरेंस आता है, तो ये 3 दिया तो पता है कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 दिया तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा. तो हमारा ये देख रहे हैं कितना होगा, 5 3 15 और ये 6 2 जो कितना हुआ, 12. तो 3 का आपका डिफरेंस, 3 ये तुरंत दिमाग माना चाहिए. और हमारा जब 3 आ गया इधर, तो हमारा इधर अब आपका b क्या बचेगा, b में जो आपका यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा ये, तो 4 3 जो कितना हुआ, 12 हो गया ये.
और यहाँ से हम इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 16 हो रहा है, तो इसका भी आपका डिफरेंस कितना आएगा 12 और 16 का आपका 4 भी हो गया। तो ए और बी एक दूसरे से क्या होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं, ए रेशियो बी जब हम निकालेंगे तो 4:3। सिंपल सी बात, जो ए का मल्टीप्लायर आता है कभी भी ये ध्यान रखा करो कि ए रेशियो बी हमको इसमें निकालना है, तो हमने यहाँ निकाला 3a, तो ए के मल्टीप्लायर जो आया तो हमारा ये, तो ये ऑप्शन होगा ये आपका एक, ए जो आया आपका एक मल्टीप्लायर वो बी बन जाता है, एक मल्टीप्लायर क्या होगा रेशियो में बी बन जाएगा, ये बी वाला रेशियो 3 मिल गया आपको, तो या तो ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका इसमें देखते हैं बी का आपका क्या रहा डिफरेंस, तो बी का जो डिफरेंस कई बार मान लो कि ये आपको ये ऑप्शन में 3 यहाँ नहीं दिया है, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, उसकी जगह कुछ और होता है, यहाँ पर 5 होता है, कुछ भी होता है, तो हम इसको ए को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन पे भी हमको ध्यान देना होता है कि एक एक चीज़ निकल जाती है टाइम बचाने के लिए। अब हम बी के लिए दे उसी तरह हम देख लेंगे, बी का जो मल्टीप्लायर आएगा 4 आएगा, ये मैंने बता दिया कि 3 दिया है, 3 से आपने 4 में इंटू किया, 3 4 12, 2 से 8 में इंटू किया तो 16, तो 16 माइनस जो 12 आएगा कितना आएगा 4 आएगा, 4 भी बचेगा, तो बी का जो आपका आ रहा है कोफिशियंट 4, तो ये आपका ए का रेशियो बन जाएगा, तो ए की जगह ये 4 आ जाएगा, तो इसलिए 4:3। अब ऐसे ये चीज़ मेन पहले किसी भी क्वेश्चन को आप लो इस तरह लिख के करा करो और उसके बाद से ट्रिक डेवलप करो कि ये कैसे आ रहा है हमारा, देखो ये डिफरेंस आ रहा है, ये हमेशा आपको जो बड़ा होगा छोटे में से घटा के हमेशा प्लस ही आएगा इस तरह के क्वेश्चनों में, तो हमको पता है कि हमको डिफरेंस लेना है दोनों का, ए का डिफरेंस और बी का, ए का डिफरेंस का जो मल्टीप्लायर है वो बी का रेशियो हो जाएगा, बी का आएगा ए का होगा, हम यहाँ पर फिर ऑप्शन पर भी ध्यान देते हैं कि जल्दी से हमको मिल जाए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को लगा कैसा, ये मेरी गुरुदक्षिणा समझ के ही आप लोग बता दो, किसी भी टीचर का आप लोग देखो तो ज़रूर उसको कमेंट करो कि आप लोगों को कैसा लगा, कम से कम थैंक्स ही बोल दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।